नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। पलाश चंदेल के खिलाफ 3 साल तक यौन शोषण के आरोप लगे हैं। जांजगीर की एक युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप है। छत्तीसगढ़ जनजाति आयोग में दर्ज हुई है शिकायत। रायपुर के महिला थाने में भी FIR दर्ज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पर रेप का आरोप दर्ज हुआ है। रेप के आरोप लग रहे हैं पलाश चंदेल के खिलाफ। 3 साल तक यौन शोषण का आरोप लगा है। जांजगीर की एक युवती ने यह आरोप लगाए हैं, मुकदमा दर्ज कराया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप लगे हैं पलाश चंदेल पर, जो कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे हैं। क्या है पूरा मामला समझ लेते हैं, सीधे रायपुर का रुख करेंगे। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए समय लाइव। युगल, काफी गंभीर आरोप लग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल पर। जांच पुलिस अभी कर रही है, क्या क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मसले को लेकर? जी देखिए, इस तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, और जो नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल, उसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अनाचार के मुद्दे को लेकर के लगातार भाजपा है कांग्रेस पर करारा हमला करते रही है। और इस बीच पलाश चंदेल पर जो मामला है वो दर्ज किया गया है। जनजाति आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। इसके बाद महिला थाने में भी मामला दर्ज कर लिया गया है। और जिस तरह से आरोप लगे हैं पलाश चंदेल पर, 3 साल तक दैहिक करने का जो ये मामला सामने आया है, उसके बाद मुश्किलें हैं बिल्कुल बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना होगा, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में चुनावी वर्ष है और ऐसे में 2023 में चुनाव जब होना है तो ये जो मुद्दा है काफी जो मुद्दा है एग्रेसिव हो सकती है कांग्रेस, इसको लेकर के जो बीजेपी लगातार अनाचार के मुद्दों को लेकर के सदन से लेकर सड़कों तक मामला उठाती रही है। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के जो बेटे हैं उनके ऊपर जब इस तरह के जो मामले सामने आएगा तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष है उसे भी सवाल के जो जवाब है उसे देने पड़ेंगे। देखना होगा कि आगे जो किस तरह की जो जांच है। हालांकि जो जनजाति आयोग है उसने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है, महिला थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है, तो ये तमाम विवेचना का विषय कहा जा सकता है। लेकिन अब जो राजनीति है वो जो सवाल जवाब है वो बढ़ेंगी, और इस तरह से सवाल जवाब होंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। जी सुमित, बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा इस मसले को लेकर। युगल, आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और खास खबरों पर भी हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रायपुर में होने जा रहे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 21 जनवरी को होना है रायपुर में। पहले इंटरनेशनल क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां पूरी हैं, जिसकी बानगी रायपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त देखने को मिली जब टीम इंडिया और कीवी टीम एयरपोर्ट पहुंची। दोनों टीमों का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर जुटे थे, जहां मेहमानों और मेजबान टीम का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच खिलाड़ियों को होटल्स लेकर जाया गया है, और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 21 जनवरी को दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जहां एक तरफ मेजबान टीम दूसरा मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने की कोशिश करेगी, वहीं कीवी टीम मेहमान टीम सीरीज को बचाने के लिए हर हाल में दूसरे मैच को जीतना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। दोनों देशों की टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं, कल शुक्रवार को दोनों ही टीमें प्रैक्टिस करेंगी। अधिक चर्चा के लिए हम रायपुर ही चलते हैं, युगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, दोनों ही टीमें रायपुर पहुंच चुकी हैं, होटल्स में दोनों ही टीमें आज रात आराम करेंगी, कल क्या शेड्यूल रहने वाला है दोनों ही टीमों का?
देखिए सुमित, हम यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे, एयरपोर्ट की तस्वीर है। देखिए न्यूजीलैंड और भारत की टीमें हैं वो पहुँच गई है, लेकिन अभी भी आपको गहमागहमी, हमारे जो दर्शक हैं उनको गहमागहमी दिख रही होगी। और ये बड़ी बात यही है कि विराट कोहली 7:50 पर यहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए पूरा जो टारगेट है वो है। और अगर मैच शेड्यूल की अगर हम बात करें तो कल दोनों टीमें हैं अभ्यास मैच करेंगी 1 बजे से 4 बजे तक। जो इंग्लैंड की टीम है वो शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास करेंगी। उसके बाद जो भारतीय टीम है वो 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक फ्लड लाइट मैच में जो टीम है वहां पर पसीना बहाएगी। जिस तरह से अभी मैच जो सुमित सामने आया है भारत और जो न्यूजीलैंड का, तो उसे उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहाँ भी अच्छी जो क्रिकेट है वो देखने को दर्शकों को मिलेगी। अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट, तमाम जो टिकट्स हैं 42,000 की क्षमता है। रायपुर शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पूरा खचाखच भरा होगा, क्योंकि टिकट मिल नहीं रहा है सीधा। इसका मतलब यही है कि सारे टिकट्स हैं वो ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, 1000 से अधिक सुरक्षा बल वो लगाया गया है। 4 चरणों में जो सुरक्षा की जो लेयर है वो 4 चरणों की रहेगी। VIP सुरक्षा से लेकर के खिलाड़ी, स्टेडियम, तमाम तरह की सुरक्षा है वो लगाई गई है। दीगर जो जिले से पुलिस बल है वो मंगाया गया है। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो क्रिकेट का आयोजन होगा, क्योंकि पहला ODI मैच है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच का आयोजन हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, जिसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो यहाँ आ चुके हैं और उनकी खेल जौहर प्रतिभा भी देख चुके हैं। तो ऐसे में खिलाड़ी नए नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो मैच है सुमित, वो पहली बार आयोजन हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि खासा उत्साह है। अभी जब कुछ देर पहले तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ आए, भारत और इंग्लैंड के, तो यहाँ हजारों की संख्या में उनके जो फैंस हैं वो यहां पर मौजूद थे। इंडिया इंडिया के नारे लग रहे थे। और अभी कुछ देर बाद विराट कोहली भी आएंगे, तो ये कहा जा सकता है जो स्टार खिलाड़ी हैं उन तमाम खिलाड़ियों का आगमन हो चुका है। विराट कोहली भी अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर आएंगे और जब 21 तारीख को मैच होगा तो हर कोई ये चाहता है कि आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ में इस तरह के जो मैच का वो आयोजन है होता रहे, ताकि खेल और खिलाड़ी और जो दर्शक हैं उन्हें भी जो बेहतर है, आनंद है, वो मिलता रहे। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है युगल की। शुरुआत हो चुकी है इंटरनेशनल मैचेस की, आने वाले दिनों में भी और भी इंटरनेशनल मैच रायपुर में देखने को मिले, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं छत्तीसगढ़ के वासी। बहुत शुक्रिया युगल आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच सरकार में 2023 के बजट पर मंथन तेज हो गया है। सभी विभागों ने बजट प्रस्ताव मांग लिए गए हैं विभागों से। 27 से 29 जनवरी के बीच सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ विभागीय प्रस्तावों पर बातचीत करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस साल मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे वो आकार में पिछले 22 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। मंत्रियों से चर्चा के लिए 3 दिन का समय तय हुआ है। पहले दिन मंत्री उमेश पटेल, जय सिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत के विभागों की बात होनी है। दूसरे दिन यानी 28 जनवरी को नीला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, कवासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, शिव कुमार डेहरिया से जुड़े विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। अंतिम दिन यानी 29 जनवरी को मोहम्मद अकबर, रविन्द्र चौबे, TS सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, CM भूपेश बघेल इन मंत्रियों से चर्चा करेंगे और सीएम भूपेश बघेल के प्रोफाइल में जुड़े विभागों की योजनाओं और प्रस्तावों पर बातचीत की जाएगी। वहीं इस बार मुख्यमंत्री ई बजट पेश करेंगे, इस बार टैप के जरिए सीएम बजट पेश करेंगे। होली के बाद बजट पेश होने की संभावनाएं।